किनाओ। बारात को बुलाया गया, विवाह हुआ, सातों भाड़े पड़ी। विदा के समय पर महाराज शुक्राचार्य जी ने इयाद को बुलाया, इधर आओ। तुम जानते हो ससुर और दामाद का क्या रिश्ता होता है? पिता और पुत्र का। मैं अपनी बेटी का विवाह तुम्हारे साथ कर रहा हूँ, लेकिन इसके साथ नौकरानी का ही भाव रखना। ठीक है, ऐसा ही हो। महाराज दोनों को लेकर के आई। शने शने समय गुजरता रहा। जिस समय एक दिन मासिक वृत्ति से निवृत्त होकर के शर्मिष्ठा अपने अड्डा पे खड़ी छत के ऊपर और इधर से महाराज निकले, तब क्या हुआ? किरानी ने अपने मुखड़ा को खिड़की के बाहर उचकाया। महाराज ने दिल में जय समझी, बादल में से चांद निकल आया। महाराज ने दिल में जय समझी, बादल में से चांद निकल आया। कौन है? रिश्तेदार है, मेहमान है, कहाँ की है? इसने तो मुझे दीवाना बना दिया। कौन हो तुम? हम शर्मिष्ठा बोलिए, हमें क्यों पहचाने? हमसे मतलब का है? कहो हमारे हाथ में एक लोटा पानी में पी लेते तो तुम्हारे पेट को रूह को फूट जाते। तो प्यास ही नहीं। कौन हो तुम? बोली इससे क्या मतलब? मेरे प्रश्न का उत्तर दे सकते हो? बिल्कुल। दूल्हा को जो वस्तु दहेज में मिलती है उसके ऊपर किसका अधिकार होता है? उसके ऊपर दूल्हा का अधिकार होता है। तेरी बफर भाग जा सब। तो मैं आपको दहेज में मिली हूँ, मेरे ऊपर आपका पूर्ण अधिकार है, मेरी पुत्र कामना की पूर्ति करो। मस्तो ऐसा ही होगा। तीन पुत्र पैदा हुए, अनु दिहु पुरु, और दो बालक देवयानी से पैदा हुई, यदु और ध्रुवस। एक दिन महाराज देवयानी के आंगन में भोजन कर रहे थे तो देवयानी के दोनों ललन जवाब दिया, बड़ी मुश्किल की बात है, शर्मिष्ठा के तीन बालक कभी नहीं रोते और तुम्हारे इन दो बच्चों ने खाना मुश्किल कर दिया। समझ गई इसका मतलब है, शोक से इनका संबंध हो गया। अपने पिताजी के पास पहुंची और कहा, जो आपने वचन दिया था मेरे पति ने तोड़ दिया। शुक्राचार्य जी बहुत क्रोधी ब्राह्मण थे, श्राप दे दिया और कहा, और चंद्रवंशी राजा कि जिस योवन के मत में तुमने और मेरे वादे को तोड़ा है, और जिस योवन के मत में तुमने दासी से नाता जोड़ा है। रह जाए न लज की शक्त तुझे आज ही बुढ़ापा जाए। अब हो क्या हुआ? धोखे में दुनिया लुट गई है और बूढ़े गए महाराज, धोखे में दुनिया लुट गई है।